नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पार्टी में अंदरूनी कलह के बीच केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है। कांग्रेस इस बार केरल में कई नए उम्मीदवार उतारकर विरोधियों को चौंका सकती है, तो वहीं कई पुराने नेताओं का पत्ता भी काट सकती है। आखिर क्या है केरल में कांग्रेस की नई रणनीति, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। केरल विधानसभा चुनाव की कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। कांग्रेस इस बार केरल में कई नए उम्मीदवार उतारकर विरोधियों को चौंका सकती है, तो वहीं अपने ही कई पुराने नेताओं का पत्ता भी साफ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 140 सदस्यीय केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 75 सीटों का निर्धारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन करेंगे, जिससे संभावना जताई जा रही है कि प्रति सीट पर पार्टी केवल एक ही उम्मीदवार का नाम हाईकमान को भेजेगी और उसमें कोई दूसरा वैकल्पिक नाम नहीं रखा जाएगा। संभावना ये भी है कि सूची में युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जा सकती है। इस सूची में उन अनुभवी दिग्गजों के लिए मायूसी की आशंका है, जिन्होंने कुछ चुनाव तो लड़े मगर पार्टी को जीत नहीं दिला सके, इसलिए उनको पार्टी टिकट देने से किनारा कर सकती है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि ऐसा कुछ अतीत में तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है। आमतौर पर प्रत्येक सीट के लिए 4-5 नाम हाईकमान को भेजे जाते हैं। ऐसा करने का मूल कारण ये होता है कि पार्टी के सभी गुटों के नेताओं को शांत किया जा सके। इसके बाद हाईकमान की ओर से उनमें से एक नाम फाइनल करके घोषणा कर दी जाती है। उधर मुल्लापल्ली रामचंद्रन इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि सभी चीजें अच्छी तरह से आकार ले रही हैं और अगले सप्ताह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही संयुक्त डेमोक्रेटिक फ्रंट के सहयोगियों के साथ सीटों के वितरण को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची भी फाइनल कर दी जाएगी। बता दें कि कांग्रेस ने साल 2016 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसने 22 पर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने 90 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 21 सीटिंग विधायकों और दिग्गज नेता केसी जोसेफ के नाम को मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस अंतरिम सूची को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से ही मंजूरी प्रदान होगी। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने विरोधियों के मात देने के लिए चुपचाप रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस बार केरल कांग्रेस प्रति सीट पर पार्टी केवल एक ही उम्मीदवार का नाम हाईकमान को भेजेगी और उसमें कोई दूसरा वैकल्पिक नाम नहीं रखा जाएगा। संभावना ये भी है कि इस सूची में युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जा सकती है। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।